शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये लोग किस चीज की निस्बत पूछते हैं? क्या बड़ी खबर की निस्बत जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं? देखो ये अनकरीब जान लेंगे, फिर देखो ये अनकरीब जान लेंगे। क्या हमने जमीन को बिछौना नहीं बनाया और पहाड़ों को उसकी मेखें नहीं ठहराया? बेशक बनाया और तुमको जोड़ा जोड़ा भी पैदा किया और नींद को तुम्हारे लिए मूजिबे आराम बनाया और रात को पर्दा मुकर्रर किया और दिन को मुआश का वक्त करार दिया और तुम्हारे ऊपर सात मजबूत आसमान बनाए और आफताब का रोशन चराग बनाया और निचड़ते बादलों से मूसलाधार मेह बरसाया ताकि उससे अनाज और सब्जा पैदा करें और घने घने बाग। बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है, जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम लोग गट के गट आ मौजूद होगे और आसमान खोला जाएगा तो उसमें दरवाजे हो जाएंगे और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो रेत होकर रह जाएंगे। बेशक दोजख घात में है, यानी सरकशों का वही ठिकाना है, उसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे। वहाँ न ठंडक का मजा चखेंगे न कुछ पीना नसीब होगा मगर गर्म पानी और बहती पीप। ये बदला है पूरा पूरा। ये लोग हिसाब आखिरत की उम्मीद ही नहीं रखते थे और हमारी आयतों को झूठ समझकर झुटलाते रहते थे और हमने हर चीज को लिखकर जब्त कर रखा है, सो अब मजा चखो, हम तुम पर अजाब ही बढ़ाते जाएंगे। बेशक परहेजगारों के लिए कामयाबी है, यानी बाग और अंगूर, और हम उम्र नौजवान औरतें और शराब के छलकते हुए गिलास। वहाँ न बेहुदा बात सुनेंगे न झूठ खुराफात। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सिला है, इनाम मुतायन। वो जो आसमानों और जमीन और जो उन दोनों में है सबका मालिक है, बड़ा मेहरबान, किसी को उससे बात करने का यारा न होगा। जिस दिन रूहुल अमीन और फरिश्ते सब बांध कर खड़े होंगे तो कोई बोल न सकेगा मगर जिसको खुदाए रहमान इजाजत बख्शे और उसने बात भी दुरुस्त कही हो। ये दिन बरहक है, बस जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार के पास ठिकाना बना ले। हमने तुमको अजाब से जो अनकरीब आने वाला है आगाह कर दिया है, जिस दिन हर शख्स उन आमाल को जो उसने आगे भेजे होंगे देख लेगा और काफिर कहेगा कि ऐ काश मैं मट्टी होता।